हाय फ्रेंड, आ जाए हमारे पास ग्रैंड एटन स्मार्ट की 2012-13 मॉडल 14 मॉडल है गाड़ी, 2014 मॉडल। इसमें कस्टमर का कंप्लेन है, इसमें की काम ही नहीं करा, ना तो हमारा इग्निशन ऑन हो रहा, पुश कर रहे हैं मगर हमारा इग्निशन ऑन नहीं हो रहा है। आज इस वीडियो में देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये स्मार्ट की, हमारी स्मार्ट की में वर्किंग बैटरी है, आप देख सकते हैं इसमें लॉक अनलॉक करके, लॉक अनलॉक प्रॉपरली है। आज देख सकते हैं इसमें कि क्या प्रॉब्लम है, हमारा इग्निशन ऑन ही नहीं है। हम पुश कर रहे हैं मगर इग्निशन हमारा ऑन नहीं हो रहा है, की से भी हम कर रहे हैं, की से भी नहीं हो। अगर हमारी बैटरी भी इसमें डाउन रहेगी, इस केस में ये ऑन इग्निशन हो जाएगा इसमें, मगर वो भी नहीं हो रहा। अभी हम चेक करके देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम करेंगे काम, हम पहले देखेंगे कि हमारा की एंटेना जो लगा रहता है गाड़ी में, वो की को जज करे या नहीं। अभी की हम बाहर रखेंगे, गाड़ी से बाहर ले जाएंगे हम की को। सबसे पहले हमने की को बाहर लिया, ऑन करने के बाद अगर हमारे यहाँ मीटर पे शो हुई लाइट, हमारी इमोबिलाइजर लाइट ब्लिंक कर रही, इसका मतलब एक स्विच इसमें काम कर रहा है, दूसरा स्विच काम ही नहीं कर रहा। अभी खोल के दिखाएंगे हम आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर हमारी गाड़ी में एंटेना की प्रॉब्लम होगी, की नहीं पकड़ेगा, तो उस केस में ये सिंबल नहीं आएगा, क्योंकि हमारी की रहे इधर मीटर में। इग्निशन हम ऑन कर रहे मगर हमारा इग्निशन ऑन नहीं हो रहा है। आज देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम, एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम इस स्विच में है। स्विच को खोल के ले लेंगे, फिर रिपेयर करके दिखाएंगे आपको ये कैसा है, इसमें रिपेयरिंग कैसी होती है। इसमें मॉइस्चर या जंग लगा रहता है, उस केस में ये ऑन नहीं हो रहा है। दूसरा एक हो रहा है, दूसरा इग्निशन स्विच हमारा ऑन नहीं हो रहा है। आज देखेंगे इस वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम इस स्विच में है, इस स्विच को खोल के ले लेंगे, खोल के दिखाएंगे हम आपको। एक हमारा ऑन हो रहा है, क्योंकि वो लाइट आके चली जाती है, ये देख सकते हो फ्रेंड, कभी कभी आ जाती कभी नहीं आती, आ चुकी है और चली जाएगी इमोबिलाइजर लाइट, कभी कभी आ रही कभी नहीं आ रही। अभी हम इस स्विच को खोल के ले लेंगे, रिपेयर करने के बाद दिखाएंगे हम आपको, रिपेयर करते हुए भी दिखाएंगे आपको फ्रेंड। अभी हमने इसको खोल के ले लिया, अभी स्विच को करेंगे बाहर, स्विच को बाहर करके खोल के दिखाएंगे हम आपको। अभी हमने ये तीन पेज खोल के ले लिए इसके, इनको निकालेंगे बाहर, स्विच आ गए हमारा बाहर। अभी इसको खोल के दिखाएंगे हम आपको, इसको यहाँ से पहले इन तीन लॉक को निकालेंगे बाहर, निकालने के बाद ये बाहर आ जाएगा स्विच। पहले पीछे से हमको ये निकालना पड़ेगा इसके लॉक, लॉक निकाल के दिखाएंगे। अभी हमने इसको लॉक खोल के ले लिए, लॉक खोलने के बाद आ जाएगा बाहर हमारा स्विच। एक्चुअली इसी में मॉइस्चर आने की वजह से हमारा स्विच काम ही नहीं कर रहा प्रॉपरली वर्क। इसको हम साफ करके ले लेंगे पहले। अभी हम इसको खोल के हल्के रेगमाल इसमें मारेंगे हम, रेगमाल होने के बाद इस पर भी हम थोड़ी सी रेगमाल करेंगे, फिर हमारा काम हो जाएगा। इसको भी हल्की सी रेगमाल करके ले लेंगे, तब जाके हमारा काम हो जाएगा। अभी हमारा ये पूरा साफ़ हो चुका है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसको वापस लगा के फिक्स करेंगे गाड़ी में और दिखाएंगे आपको कैसा हो गया हमारा काम। रबर लगाएंगे, रबर लगाने के बाद हम ऊपर से स्विच डाल के दिखाएंगे हम आपको। अभी हो गया हमारा काम प्रॉपरली, अभी गाड़ी में फिक्स करके दिखाएंगे हम आपको। अभी हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, अभी हमने रिपेयर अंदर से ही किया, रिपेयर पूरा हो चुका है। इसको रेगमल से पूरा साफ़ मॉइस्चर साफ़ करके अभी हम लगाएंगे वायरिंग कपलर में इसमें। इसको फिक्स करने के बाद दिखाएंगे हम आपको अंदर चल के हमारा इग्निशन अभी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी हमारा इग्निशन बिल्कुल वर्क कर रहा है, हमारी गाड़ी स्टार्ट है, अभी गाड़ी बिल्कुल ओके है, बिल्कुल प्रॉपरली है। अभी हमने बंद किया, अभी हमने फिर से स्टार्ट किया, गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके है। अभी हम इस स्विच को फिक्स करने के बाद दिखाएंगे हम आपको। अभी हम गाड़ी को फिर से बंद करेंगे, फिर से ऑन करेंगे, गाड़ी हमारी प्रॉपरली स्टार्ट है, अभी गाड़ी बिल्कुल ओके है। अभी हम करेंगे गाड़ी को बंद, अभी हम गाड़ी को करेंगे बंद, अभी गाड़ी हमारी हो चुकी है बंद। अभी इसको पूरा फिक्स करने के बाद दिखाएंगे हम आपको
इसको पूरा लगा के दिखाएंगे हम आपको। अभी हमारा काम फिटिंग पूरा हो चुका है, इसमें फिटिंग करके पूरा ले लिया हमने, अभी दिखाएंगे हम इसकी वर्किंग। अभी हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, पूरा हमने फिटिंग किया इसमें, जो भी फिटिंग थी वो हमने प्रॉपरली की। अभी हम इग्निशन ऑन करेंगे, हमारा इग्निशन ऑन, गाड़ी हमारी प्रॉपरली स्टार्ट। अभी बंद करेंगे, गाड़ी हो चुकी है बंद। अभी हम करेंगे फिर से स्टार्ट, इग्निशन पहले ऑन करेंगे, हमारा इग्निशन प्रॉपरली ऑन है। पहले नहीं ऑन हो रहा था क्योंकि इसमें जंग आने की वजह से ये ख़राब हो चुका था, हमने अभी रिपेयर करके इसको ओके किया। अभी स्टार्ट करके फिर से दिखाएंगे, क्लच हमने प्रेस की, गाड़ी हमारी प्रॉपरली स्टार्ट है। और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना, और पूरा वॉच करने के बाद जाना।